हम आज आए हैं सिंबू बॉर्डर और किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए। हम जिस गाड़ी से आए हैं उस गाड़ी के मालिक ड्राइवर हैं हरवीर जी, हरवीर सिंह। किसान तो इधर परेशान हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस लॉकडाउन में या इससे पहले और इसके बाद तमाम ये सब जो दौर चल रहा है उसमें हर आदमी परेशान है, आम से लेकर खास तक, किसान से लेकर मजदूर तक, ड्राइवर, हर कोई परेशान है। तो हरवीर जी ने हमें गाड़ी में अपनी कहानी सुनाई कि लॉकडाउन उन्होंने कैसे बिताया, कैसे संकट रहा उस दौरान, इन पर बैंक की किस्त किस तरह चढ़ी, किस तरह इन्हें आश्वासन मिले और किस तरह इन्हें भुगतना पड़ा सब कुछ, वो आप इन्हीं के मुंह से सुनिए। तो हरवीर जी जरा बताइए हमारे दर्शकों को कि लॉकडाउन में क्या 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 आपके सामने दिक्कतें रही और क्या आपने किस तरह उसे फेस की। दिक्कत ये है कि किस्त जो इसकी गाड़ी की चल रही है 11,000 की समथिंग है, और जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो इसके लिए तो दिक्कत हो ही गई, 2 महीने के लिए घर बैठ गए। उसके बाद में तो इन्होंने मोडिटोरियम देते हैं हम 3 महीने का, और तो मोडिटोरियम में क्या हुआ, हमें 5 महीने का मोडिटोरियम मिला, और मोडिटोरियम में 5 महीने की जो किस्त हमारी 55,000 बैठ रही थी, 55,000 में 5 महीने यानी 11,000 पर महीने की, तो इसमें 55,000 प्लस इसमें जो ब्याज लगाया गया है चक्रवर्ती ब्याज लगा दिया उसका 30,000 की समथिंग इसमें ब्याज जोड़ दिया, 55,000 पर 35,000 ब्याज, जी जी, यानी आपको 85,000 से ऊपर पैसा आ गया, बिल्कुल। और जब मैंने पूछा कस्टमर केयर पर कॉल करके तो उन्होंने बोला कि ये इसका चक्रवर्ती ब्याज है, इसका डबल ब्याज ले रहे हैं जी, डबल ब्याज। तो उसी के चलते हुए हमको इतनी दिक्कत हुई, जबकि हमारा तो ये हिसाब है डेली पानी कुआ खोद के पानी पीना हर किसी के बस की नहीं है, लेकिन हम जब निकलते हैं घर से तो ये सोचते हैं इसी से हमारा चूल्हा चलेगा, जी जी, ठीक है ना, इसी से हमारा चूल्हा चलेगा, इसी से हमारा चूल्हा चलेगा। उसके बावजूद भी अगर 3 महीने के लॉकडाउन में हमें इतनी परेशानी हुई, उसके बावजूद भी लॉकडाउन में काम नहीं रहा, काम नहीं रहा, दिक्कत रही, उसके बाद आपको पैसा ब्याज सहित ब्याज पर ब्याज देना पड़ा, फिर भी हमने इधर उधर से ब्याज लेके पैसा इधर उधर से ब्याज पे लेके हमने किस्त भरी, उसके बावजूद भी हमारा इतना एक्स्ट्रा ब्याज ले लिया उन्होंने। ब्याज लेने के बाद में फिर यूपी टैक्स है, यूपी टैक्स 2 महीने लेट हुआ, उस पर भी पेनल्टी इतनी लगा दी गई मेरे पे कि आप मेरे पास में रसीद रखी है उसकी टैक्स की, इस पर कम से कम भी 800-900 रुपए एक्स्ट्रा 1 महीने में ही लगा दी गई उसको पेनल्टी, जबकि सरकार को ये सोचना चाहिए था ऊपर से तो भुखमरी है, टैक्सी का कहीं काम नहीं चला, कॉल सेंटर सारे बंद है, हम बताओ कहाँ से किस्त भरेंगे इसकी, ठीक है, ऊपर से इसी वजह से 9 महीने का इसका 8 महीने का जब से टूटा है ना तुम्हारा यूपी टैक्स वो भरा नहीं है, वो थोड़ा बहुत काम चल रहा है ओला उबर में उसे चला रही हूँ, उसके बावजूद भी फिर अभी इसका जो हमारा ब्याज देना है किस्त देनी है अब ये पता नहीं हमसे किस हिसाब से लिया जाएगा, कम से कम इतना सोचना चाहिए था उनको कि कम से कम काम भी नहीं है तो कुछ माफ कर देते टैक्स इसका, टैक्सी वाले बेचारे सारे रोड पे हैं इस टाइम, टैक्सी वाले के लिए तो कुछ भी नहीं सोचा।